Hello friends, do subscribe and click on ring icon to get fast notification. Welcome friends, self adhyan par aaj ka hamara jo new tutorial hai wo VBA yani ki visual basic for applications related hai aur aane wali videos mein hum aur bhi cheeze visual basic applications mein seekhenge. तो यहाँ पे फर्स्ट वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ. होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा और आपका सपोर्ट भी इस वीडियो को मिलेगा. आने वाली वीडियोस और भी VBA की अच्छे से अच्छी अपलोड करने की कोशिश रहेगी. तो छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ VBA. VBA जो हमारा है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, एक इवेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या एक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आप इसे कह सकते हैं. अगर आपने विजुअल बेसिक कोड सीखा है या कोई भी प्रोग्रामिंग सीखी है तो आपको इजीली ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा. और ऐसा नहीं है कि आपने प्रोग्रामिंग नहीं सीखी तो आपको इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी. आप सीख सकते हैं, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कोड इजीली क्लियर होता चला जाएगा. थोड़ा सा आपको स्टडी करना होगा, थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, बाकी आप अच्छे से फिर इस सीरीज़ को सीख पाएंगे. पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम भी देखेंगे, एक मैक्रो रिकॉर्डिंग बना के देखेंगे कि कैसे हम यूज़ करते हैं मैक्रो का विजुअल बेसिक एडिटर पर. सपोज़ हम एक्सेल शीट में किसी कॉलम में या किसी रेंज में ऑटोमेटिकली कोई वैल्यू फिल करना चाहते हैं जो भी यूज़र द्वारा एक्सेप्ट हो, तो वो कोड हम किस तरीके से मैक्रो के द्वारा करेंगे वो हम आज की क्लास में सीखेंगे. What is macro? Macro is also part of VBA. ये एक ग्रुपिंग कोड होता है. मैक्रो के द्वारा हम फंक्शंस बना सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं और कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा उसको यूज़ कर सकते हैं. तो डेली रूटीन में आने वाले प्रोग्राम्स आप यूज़ कर सकते हैं. जो भी आप कोड बनाएंगे वो हम बनाना सीखेंगे. नीचे है व्हाट इज़ डिम. तो डिम क्या होता है, हमारा जो भी वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो टाइप है, जो नेचर है, वो यहाँ पर बताता है कि हम नेम या कोई एज या कुछ भी और डालने वाले हैं तो उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप है या उसका नंबर टाइप है. नंबर टाइप है तो हम इंटीजर यूज़ करते हैं. अगर ट्रू फॉल्स में यूज़ करना है तो बूलियन करते हैं और करेक्टर में यूज़ करना है तो स्ट्रिंग करते हैं. इसी तरीके से हमारा जो सब और एंड सब होता है, ये हमारा पार्ट होता है जिसमें हम स्टार्टिंग में कोड लिखते हैं और कोड को जब हमारा फिनिश करना हो तो एंड सब से उसको एंड करा देते हैं. तो ये सब हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं अभी. मॉड्यूल क्या होता है कि जो भी कोड हम कराएंगे वो हर सीट पर एप्लीकेबल होगा, रन होगा. मॉड्यूल एक तरीके से ग्लोबली वर्क करता है और किसी भी सीट्स पर हमें कोई भी कोड करना हो वो हम मॉड्यूल के जरिए कर सकते हैं. वरना क्या होगा कि हम सीट पर अगर इंडिविजुअली कोड करेंगे तो सिर्फ उस सीट के लिए ही वो एप्लीकेबल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. मॉड्यूल में कोड करने से वो सीट के अकॉर्डिंग ग्लोबली आप किसी भी सीट पर वो कोड अप्लाई कर सकते हैं. क्लास मॉड्यूल को हम आगे डिस्कस करेंगे. वैसे ये एडवांस कंसेप्ट है हमारा जिसमें हम अपने क्लासेस, अपने मेथड्स, अपने कलेक्शंस बना सकते हैं और उनको सीख सकते हैं. ये आगे हम डिटेल में सीखेंगे. अब बात कर लेते हैं फंक्शन की. तो विजुअल बेसिक एप्लीकेशन हमें अलाउ करता है कि हम अपने खुद के फंक्शंस बना सकें, उनको यूज़ कर सकें. मैक्रो हमारा जो इस्तेमाल होता है वो आप चाहें तो एज अ फार्मूला यूज़ कर सकते हैं या एज अ कोड यूज़ कर सकते हैं. जो भी आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं. यूज़र फॉर्म क्या होते हैं, ये हमारा एक पॉपअप बॉक्सेस होते हैं. जैसे हम कोई भी मैसेज देना चाहें तो इनपुट कराना चाहें तो कैसे होता है, वो सब यहाँ पर कोड हैं. इनपुट बॉक्स जो हमसे वैल्यू डलवाता है, अभी हम इसे प्रोग्राम में देखने वाले हैं. मैसेज बॉक्स जिससे हम अपना मैसेज दिखाना चाहें, ये भी हम अभी प्रोग्राम में देखने वाले हैं. या मैक्रो रिकॉर्डर की जो स्क्रीन आती है, वो सब हम फॉर्म के जरिए यूज़ कर सकते हैं. अभी हम बात कर लेते हैं अपने प्रैक्टिकल प्रोग्राम के बारे में. आपको अगर किसी भी शीट पर मैक्रो यूज़ करना है, मैक्रो कोड करना है, तो आपको शीट पर ऑल्ट के साथ F11 प्रेस करना है, जिसके बाद विजुअल बेसिक एडिटर ओपन हो जाएगा जहां से आपको एक मॉड्यूल इंसर्ट करना है. और मॉड्यूल क्यों इंसर्ट करना है, मैंने आपको बताया कि आप हर शीट्स के लिए एप्लीकेबल अगर करना चाहते हैं कोड को तो मॉड्यूल हमारा ग्लोबली वर्क करता है, इसलिए मॉड्यूल हम यहाँ से इंसर्ट करा लेंगे. उसके बाद जो भी हमें फंक्शन का नाम देना है वो सब के बाद देने के बाद एंटर जैसे ही करेंगे वो ऑटोमेटिकली एंड सब में कन्वर्ट हो जाएगा. और उसके बीच में हमें कोड करना है. जो भी कोड करना है वो अभी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं.
कोड करने के बाद हमें विंडो को क्लोज कर देना है और उसके बाद ऑल्ट F8 से मैक्रो को रन करा देना है। तो ये था हमारा सिंपल थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो हमने अभी सीखा। आइए अब देख लेते हैं प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे। तो एक्सेल शीट का हमने शीट 1 ले रखा है, इस शीट पर हम एक रिकॉर्डिंग करके देखेंगे। रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें सबसे पहले प्रेस करना होगा ऑल्ट के साथ F11, और जैसे ही आप ऑल्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे आपको विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन ऊपर टाइटल दिखाई दे रहा है, और विजुअल बेसिक एडिटर विंडो है ये हमारी, जहां पे आपको सबसे पहले इंसर्ट यूजर फॉर्म से एक मॉड्यूल ले लेना है, और एक मॉड्यूल लेने के बाद यहां अपना फंक्शन टाइप करना है। जैसे कि मैंने बताया था आपको पीछे अभी थ्योरेटिकल कि आपको सब एरिया के अंदर अपना फंक्शन बनाना है, और सब एरिया के फंक्शन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया माई कोड, और इसी के अंदर सपोज मैं एक मैसेज दे देता हूँ, और मैसेज में मैंने लिख दिया वेलकम ऑन लर्निंग VBA, और यहाँ पर ये जो मैंने माई कोड दिया है ये ऑटोमेटिकली मैक्रो का नाम है हमारे। हम जैसे ही इसको क्लोज करेंगे विजुअल बेसिक एप्लीकेशन को और अपने एक्सेल के अंदर ओल्ट F8 की को प्रेस कराएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे माई कोड नाम का मैक्रो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। आपको क्या करना है, रन करना है, और रन करने के बाद आप देखेंगे एक मैसेज आ चुका है वेलकम ऑन लर्निंग VBA। अब अगर हम और कोड में कुछ चेंजेस करना चाहें तो ओल्ट F8 प्रेस करने के बाद आपको दिखाई देगा एडिट कमांड। एडिट कमांड से वापस हमारा वही मैक्रो कोड खुल जाएगा, और सपोज हम यहाँ पर कोई नाम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जैसे कि हमने अभी बात करी थी यूजर्स फॉर्म के अंदर इनपुट बॉक्स भी हम दे सकते हैं, तो हमने यहाँ पर एक n नाम के वेरिएबल में इनपुट बॉक्स पास कराया जिसमें हमने मैसेज दे दिया एंटर योर नेम। इसका मतलब जो यूजर नाम पास कराएगा वो n वेरिएबल में जाएगा, और यहाँ पर मैंने वेलकम के बाद प्लस लगाते हुए, क्योंकि मैं मर्ज कर रहा हूँ इसके साथ उस नाम को, और जो भी n में नाम आपने लिया है वो शो होगा। अब हम इसको बंद कर देते हैं रिकॉर्डिंग को, और जैसे ही ऑल्ट F8 प्रेस करेंगे आप रन कराएंगे तो आपसे पूछा जाएगा एंटर योर नेम। हम यहाँ से पास करा देते हैं सेल्फ अध्ययन, देन जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि मैसेज आ रहा है वेलकम सेल्फ अध्ययन। इस तरीके से आप इनपुट बॉक्स लेते हुए वैल्यूज डाल सकते हैं। सपोज मुझे बॉक्सेस में एक सिटी पास करानी है और मैं चाहता हूं कि वो सी कॉलम की 20 रो तक डिस्प्ले हो जाए, तो उस कोड को हम करने के लिए ओल्ट F11 या ओल्ट F8 देन एडिट पे क्लिक करते हुए यहां पर, क्योंकि हमने यहाँ पे n नाम के अंदर एंटर सिटी पास करा देते हैं, और ये मैसेज बॉक्स हटा देते हैं क्योंकि वो हम सीख चुके हैं। अब हम जो शीट 1 है उसकी रेंज में वैल्यू पास करा देंगे। हम चाहते हैं C2 से या C1 से, जहाँ से भी हम चाहते हैं और कहाँ तक की रेंज तक उस वैल्यू को डिस्प्ले कराना चाहते हैं जो हम n वेरिएबल में। तो यहाँ पर हमने जो भी n वेरिएबल में सिटी पास कराएंगे वो C1 से लेकर C20 तक की रेंज में दिखाई देगा। तो इसको हम यहाँ से रन कराने के लिए ओल्ट F8 प्रेस कराएंगे और रन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर कोई भी सिटी पास कराएंगे और एंटर करेंगे आप देखेंगे कि सी कॉलम में 20 रो तक वो ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है। अगर आप चाहें तो इस पे शॉर्टकट की भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्ट F8 प्रेस करना है आपको और जाना है ऑप्शन बटन पर, देन यहां पर आपको कोई भी कमांड डाल देना है। जैसे हमने R प्रेस करते हुए ओके कर दिया है। अब अगर हमें वापस से कोई सिटी पास करानी है तो हमें ऑल्ट F8 की दबाने की जरूरत नहीं है, हम कंट्रोल R की दबाएंगे और यहां पर कोई और सिटी डालेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली वो चेंजेस हो रहा है। तो इस तरीके से विजुअल बेसिक में हम एप्लीकेशंस बना सकते हैं, और आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी चीजें सीखेंगे। होपफुली वीडियो आज का आपको पसंद आया होगा।
वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और जैसे ही इन पर अच्छे से व्यूज हो जाएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।